फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स, हम मैथ की कुछ ट्रिक्स करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने चैनल में बीकॉम के रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो होगी कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं उन नंबर्स को जिनके पीछे का डिजिट, जिनका यूनिट प्लेस 5 हो, ठीक है। तो सबसे पहले होगा 2 numbers having unit place 5। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 35 × 75। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये देखिए पीछे क्या है, 5 और 5, ठीक है। तो 5 और 5 ये आ गया 25, ये हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और आगे कौन से नंबर है, 3 और 7। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, कि 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 = 21, ठीक है। अब सेकंड क्या है इसका, कि 7 और 3 को प्लस कर लो एक बार। 7 और 3 को प्लस किया, क्या आ गया, 10। 10 को हाफ कर दो, कितना आ गया, 5। तो अब क्या आ गया, 21 and 5। तो इनको प्लस कर दो आपस में, 21 + 5 26 आ गया, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा, 26। ओके, तो इस तरह कर सकते हैं। 5 और 5 = 25 वैसे लिखा गया। फर्स्ट स्टेप में क्या था, 7 × 3 किया तो आ गया 21, ओके। और 7 + 3 करके उसका हाफ कर दिया तो आ गया 5, ठीक है। तो 21 + 5 = 26 आ गया हमारे पास। तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये है, अब इसे कैसे करेंगे, ये आ गया 25, ठीक है। 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 6, 6 का हाफ किया कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। आप वर्बली कर सकते हैं इसे, ठीक है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने लिख के बताया जस्ट ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप वर्बली कर सकते हैं, 4 × 2 = 8, 4 ½ आ गया तो 3, तो 8 × 3 = 11, ओके। तो इसका आ गया 11 = 25, ओके। तो ऐसे ही आप कोई भी कॉल कर सकते हैं, मैं जैसे कि आपको एग्जांपल्स लिख लेता हूं, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। 85 इसका कर लीजिएगा, 5 ये करके देख लीजिए, ठीक है, और आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ओके। तो आपको मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, जिसके पीछे 5 हो, ठीक है। तो अब इसी में ही एक नया कंसेप्ट आएगा। अब अगला कंसेप्ट कौन सा है, अगला कंसेप्ट है मल्टीप्लाई ऑफ 2 numbers with unit place 5. यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 5 ही रहेगा उसमें, ठीक है। यूनिट प्लेस क्या आ गया, 5 आ गया हमारे पास। बट इसमें क्या होगा कि जो नंबर्स ही होंगे उनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, वो डिफरेंस होगा 10 का डिफरेंस, ठीक है, वो होगा 10 का डिफरेंस। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है 45 और 55, कितना डिफरेंस है दोनों में, 10 का डिफरेंस है, 55 − 45 = 10, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हुए अगर हमारे पास 10 का डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, पीछे 75 लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट 75 लिख लेंगे,
अगर बीच में 10 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आगे हमारे पास एक 4 है और एक 5 है, इसमें से बड़ा देख लो कौन सा है, कौन सा है, 5 है ना बड़ा, ठीक है। तो 5 का क्या करना है हमें, 5 का करना है सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर करके उसमें से कर देना है -1, ओके। ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है, तो 5 5 25 -1 24, तो 24 and 75, ठीक है। इस तरह से आगे, जैसे कि आप कोई भी और कर सकते हैं, जैसे कि 95, ठीक है, ये होगी एग्जाम्पल सेकंड, ये थी एग्जाम्पल फर्स्ट, 95 and 85। अब यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 75 लिख दिया, बड़ा कौन सा है, 9 9 9 81, तो 81 से -1 किया तो आ गया 80, ओके 8075, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसकी भी एग्जांपल्स और लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि आप कर सकते हो 65 और 55 को, ठीक है, आप कर सकते हो 35 और 25 को, ठीक है, आप कर सकते हो 15 और 25 को, ऐसे ही आप अपनी एग्जांपल और बना के इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर इसी में हम देखें तो इसी में ही एक और कंसेप्ट भी है, वो क्या है कि मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स विथ यूनिट प्लेस 5, ओके, यूनिट प्लेस 5, बट द सम ऑफ नंबर बिफोर द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस के आगे जो नंबर है, जितने भी नंबर है, चाहे वो 10th प्लेस पे है चाहे वो 100th प्लेस पे है, अगर उन दोनों का नंबर्स का, जैसे हमने यहाँ पे पिछले वाले में किया था 5 और 4 है अगर, तो 5 4 9, ठीक है, इसे ऐसे किया था ना, तो वैसे ही सॉल्व करना है हमें। तो उनका अगर सम करें, और वो सम है ये, और वो सम ऑड आए बिफोर द यूनिट इज ऑड, ठीक है, सम क्या आया, ओड आ गया, ठीक है, वहां क्या था, इवन था, यहां क्या आ गया, ओड आ गया, ठीक है। तो ओड वाला कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, जैसे इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने करना है 105 और 35 को, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जब आपको पता है 10 प्लस 3 करके 13 आ गया, ठीक है, और ये 13 क्या है, ओड है, ठीक है, 13 ऑड नंबर है, ना कि इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर ओड आ गया तो इसकी तरह ही यहाँ पे भी हम 75 पीछे बाय डिफॉल्ट लिख देंगे, 75 लिख दिया, ओके। अब 13 आया, 13 को वही हाफ करना है, 13 का वही हाफ करना है, फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही रहेगा, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप था 10 into 3 is equals to 30, 30 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है हमारा, ये सेकंड वाला स्टेप था, ठीक है, 13 डिवाइड बाय 2 करके कितना आ गया ये 6.5। तो यहाँ पे जो ये 5 है, 0.5 है, इसको हम काट देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 लेंगे, ठीक है ना, तो आएगा 30 plus 6 is equals to 36, तो यहाँ पे आ गया 36, ठीक है, तो ये 75, ठीक है, तो 36 30 plus 6 करके पीछे 0.5 काट देंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 75 लिखेंगे, 75 बाय डिफॉल्ट क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों का सम करके क्या आया है, ऑड आया है नंबर, ना कि इवन आया है, अगर इवन आता तो वैसे ही लिख देते, अगर इवन आता तो वैसे ही कर लेते, अगर 13 की जगह 14 आता तो यहाँ पे 7 आ जाता, ठीक है ना, तो यहाँ पे 25 ही रहता, ओके, पर ओड है तो ओड की वजह से यहाँ पे 75 और यहाँ पे अलग ट्रिक लग गई, 0.5 कैंसिल हो गया।
तो इसमें हम आगे क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे वन ऑर्डर नंबर इंटू टू ऑर्डर नंबर, अगर ऐसा दिया हो, ठीक है ना, वन ऑर्डर नंबर इंटू टू ऑर्डर नंबर। इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 11 इंटू 22, तो 11 इंटू 22 दिया है, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें लॉन्ग मेथड से, बाय लॉन्ग मेथड, तो हमारा लॉन्ग मेथड क्या होगा, तो हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 11 इंटू 11 को सॉल्व करो, ठीक है, प्लस एक बार फिर 11 इंटू 11 को सॉल्व करो, ओके, यही होगा ना, क्योंकि ये कैसे बनेगा, 22 कैसे बनेगा, 22 बनेगा 11 और 11, ठीक है, ये 22 हो गया ना, ठीक है। तो सबसे पहले 11 को इसे 11 से मल्टीप्लाई करो, बीच में आ गई प्लस, फिर 11 को इसे 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो दोनों को अगर करेंगे तो ये लंबा वाला मेथड है, ये इजी वाला मेथड नहीं है, ओके हो गया, ये क्या है, इजी वाला मेथड नहीं है, ये लंबा वाला मेथड है, ठीक है। तो अगर आपको इजी वाला मेथड करना है तो मैं आपको इजी वाला मेथड बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इजी वाला मतलब कि शॉर्टकट मेथड इसका क्या है, हम सीखेंगे यहां पे शॉर्टकट मेथड। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि सबसे पहले क्या करो, आगे 11 है तो 11 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 11 इंटू 22 को सॉल्व करना है ना, तो 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ओके, वही हो गया ना, ट्वाइस हो गया ना, ठीक है, 11 का स्क्वायर करके उसका ट्वाइस कर दो, सेम बात है ना, कोई अलग थोड़ी है। तो इसका क्या आ गया, 121, स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर आप याद कीजिए 40 तक 50 तक, जहां तक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर आ गया 121 इंटू 2, तो इसका मतलब 242, आप इजीली कर सकते हैं ये तो, ठीक है ना। सबसे पहले 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 200 प्लस 42 40, ठीक है, 242, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे है 14 इंटू 28, ओके, 28 को भी हम वैसे ही बांध सकते हैं जैसे 11 11 को बांधेगा, यहाँ पे 14 और 14, तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 14 स्क्वायर इंटू 2, इसका क्या आ गया, 14 का स्क्वायर 196, 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया, 400 का मतलब 392 आ गया, क्योंकि 4 इंटू 2 8, 400 से हमने माइनस कर दिया तो 392 आ गया, तो आगे इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 15 इंटू 30, तो 15 इंटू 30 इसको कैसे करेंगे, 15 स्क्वायर इंटू 2, जल्दी जल्दी करना है, 225 इंटू 2, इसका क्या आ गया अपने को 450, या फिर आप इसे सीधा भी कर सकते थे, 15 सीधा 45, 450, सिंपल, बिल्कुल, ठीक है ना, हमें इजी मेथड भी यूज करना है, इजी मेथड, अगर हमें हमें ये सिंपल कैलकुलेशन आई थी, ठीक है ना, फिर भी हमने स्क्वायर करके किया, ठीक है ना, जबकि हम इजीली कर सकते थे, 15 इंटू 3 45, ठीक है, तो 450 आ गया, इजी से इजी चूज करो जो भी आप कर सकते हो। तो हमारे पास आगे कौन सा कंसेप्ट है, आगे कंसेप्ट है वन वन ऑर्डर वन ऑर्डर नंबर इंटू थ्री ऑर्डर नंबर, ओके, पहले हमने किया था वन ऑर्डर नंबर इंटू टू ऑर्डर नंबर, अब थ्री ऑर्डर नंबर आ गया हमारे पास। तो एग्जांपल ट्रिक वही है हमारे पास, चीज बिल्कुल सिंपल है,
ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 11 का वही स्केयर करेंगे, स्केयर करने के बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे आ गया इंटू 3, तो यहाँ पे आ गया 300, ठीक है, 21 को 3 बार करेंगे तो 63 आ गया हमारे पास, तो 363 आ गया। तो सेकेंड एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 12 × 36 आ गया हमारे पास, तो 12 × 36 का मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 144 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको कैसे करोगे, ये 144 को 150 मान लो, तो 150 मान के यहाँ पे कितना आ गया, 450 आ गया, तो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे 6 कम है, तो 6 × 18, तो 450 में से 18 को कम कर दो, तो 450 में से पहले 20 को कम कर दो, तो 430 आ गया, ठीक है, 432 आ जाएगा इसके बाद। तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे और एग्जांपल दे देता हूं आपको, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, आप इन्हें सॉल्व करके जो मैंने पिछली एग्जांपल दी थी वो भी आप सॉल्व करिए, ठीक है ना, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है आप इन्हें भी सॉल्व कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो इसके बाद आएगा कि मल्टीप्लाई एनी नंबर विद किससे, 11 से, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, क्या ट्रिक है हमारे पास, तो आज हम सीखेंगे उसकी ट्रिक। ओके, तो जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 1 to 9 का लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यार इतना बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, एक सेकंड में हो जाएगा बिल्कुल। क्या करना है इसमें, यहाँ पे पीछे 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 को वैसे ही रख लो, यहाँ पे पीछे 9 को वैसे ही रख लो। अब क्या करना है, यहाँ पे सम करते चले जाना है, जैसे कि इन दोनों का सम किया, ठीक है, इन दोनों का सम किया आ गया 17, तो 17 का 7 रखना है, एक को आगे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, एक को आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब 7 और 8 का सम करना है, 7 और 8 का सम क्या हुआ, 15, तो 15 ये हुआ, एक ट्रांसफर किया गया था तो कितना आ गया 16, तो 16 का 6 यहाँ पे लिखिया, एक ट्रांसफर फिर कर दिया, ठीक है, तो अब 7 और 6 का सम करेंगे, तो इनका सम क्या आ गया 13, एक ट्रांसफर किया हुआ था तो 14 का 4 लगा दिया तो एक फिर से ट्रांसफर कर दिया, तो इनका सम 11, 12, 2 लिख दिया, एक ट्रांसफर कर दिया, और इनका सम 9, 10, 0, एक ट्रांसफर कर दिया। अब इनका आ गया 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8 आ गया, ठीक है ना, अब इनका कर दो 3 × 2 = 5, अब इनका 2 और 1 = 3, ठीक है, 3 और 2 = 5, 2, 1 और 3, और आगे 1 वैसे ही लिख दो, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, 11 से अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, काफी आसान था। तो आगे हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो हमारे पास के 363 दियो है, इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, 3 वैसे ही लिख लिया, ये आ गया हमारे पास 9, ये फिर से हमारे पास 9 आ गया, ये आगे 3 फिर से लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे कर लिया। तो जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल ले लो कोई भी, 2, 7, 2, 5 ले लो, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 वैसे ही लिख दिया, 5 × 7, ठीक है, 2 × 7 = 9, 7 × 2 = 9, 2 वैसे ही लिख दिया, तो 2, 9, 9, 7, 5, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये काफी ईजी होगा आपके लिए, ठीक है, तो ये ट्रिक आपके लिए कामयाब होगी। तो आपको इसकी एग्जांपल दे दूंगा, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दे देता हूं,
ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं सारे तो आप आंसर भी कमेंट पे लिख सकते हैं कि वो डाल के क्वेश्चन डाल के, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन डाल के वहां पे आंसर लिख सकते हैं ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। तो आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास रूल्स हैं, कौन से रूल्स हैं, रूल्स ऑफ, कैसे रूल्स, डिवीजन के रूल्स। अगर किसी नंबर को किसी से डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं, पता कैसे चलेगा कि वो नंबर डिविजिबल है उस नंबर से या नहीं, ठीक है। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो मैं एक एग्जांपल लूंगा इसमें कि मान लीजिए आपको पेपर में कैसे आएगा सर, आपको ऐसे आएगा कि 572595 ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, आपको आएगा कि इस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप कैसे चेक करते हो, आप चेक करोगे इसमें डिवाइड कर करके देखोगे, ठीक है ना, डिवाइड कर करके देखोगे आप, ठीक है, कि 5 से सबसे पहले यहां पे फिर यहां ऐसे सोल्व करके देखोगे ना आप कि 5 पे डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। बट इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी नंबर देखना हो कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं तो क्या ट्रिक है, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 2। तो 2 से कैसे पता चलेगा, 2 से पता चलेगा इफ द नंबर जैसे कोई भी नंबर दिया, इफ द नंबर हैज, ठीक है ना, उसके पास क्या हो, इवन नंबर हो, इफ द नंबर हैज अ इवन नंबर एज इट्स यूनिट प्लेस, उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर लगा हुआ है वो इवन नंबर हो, तो वो इवन नंबर कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है 0, वो हो सकता है 2, वो हो सकता है 4, वो हो सकता है 6, वो हो सकता है 8, ओके, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर के पीछे ये 5 में से कोई भी डिजिट लगा हुआ है तो वो नंबर पक्का से ही 2 से डिवाइड होगा, उसे होना ही पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो हमारे पास, ठीक है, मैंने आगे सारे ऑड नंबर लिख देने हैं, 5, 5, 5, 9, 9, 7 सारे ऑड नंबर लिख दिए, ठीक है, पीछे क्या लिख दिया, एक 2 लिख दिया पीछे मैंने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस किस चीज की है, यहाँ पे ये 2 की इंपॉर्टेंस है, 2 की इंपॉर्टेंस क्यों है, इसे कह रहे हैं कि इज इट डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, 2 से, कि ये पता करो। तो पता कैसे करोगे, ठीक है, डिवाइड करके देखोगे सारे नंबर को, इतना टाइम है, इतना टाइम नहीं होता तो हम ये ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे देख लो यूनिट प्लेस पे 0 नहीं लगा, यहाँ पे क्या लगा है, 2 लगा है, तो ठीक है 2 लगा है तो वो भी इवन नंबर है, तो 2 से ये सारा नंबर डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, इसे होना ही पड़ेगा। चाहे आगे 1000 और नंबर लिखे हो, पीछे 2 आ गया ना, पीछे इवन नंबर आ गया ना, तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो आगे ट्रिक, तो आगे कौन सी ट्रिक है, आगे हम 3 नंबर को देखेंगे कि 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये तो था 2 से डिवाइड करना होगा, तो आगे है 3 से डिवाइड करना होगा। तो अगर 3 से डिवाइड करना हो तो क्या होगा, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सच नंबर इज डिविजिबल बाय 3,
then such whole number is also divisible by 3. अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम कर दिया जाए और वो सम 3 से डिवाइड होता हो पूरी तरह से, तो उसके नंबर और जो वो नंबर है वो भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं एक एग्जांपल, हमारे पास है 3, 6 एंड 9। ओके, अब इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हम सम, इसका सम करेंगे, ठीक है। तो इसका सम क्या हुआ, 3 प्लस 6 प्लस 9, तो ये क्या हो गया, 6 और 3 9 9 9 18। देख लो कि ये 18 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ठीक है। 18 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इस तरह ये पूरी तरह से डिवाइड होता है 3 से। अगर 18 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। कोई दो राय नहीं है कि ये नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा, 18 डिवाइड हो रहा है ना, बस ये नंबर भी डिवाइड होगा, ठीक है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको कह देना है कि ये नंबर डिवाइड होगा, ओके। आगे हमारे पास ट्रिक होगी 4 नंबर की। अगर हमारे पास 4 से डिवाइड करना हो किसी डिजिट को, ठीक है, तो इसमें कैसे देखेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट, लास्ट वाले 2 डिजिट देखे जाएंगे। हाँ, इफ दीज 2 डिजिट्स, इफ दीज 2 डिजिट्स आर, क्या है ये, डिविजिबल है बाय 4, देन such whole number shall be divisible, क्या होगा, divisible by 4। अगर last वाले 2 digits 4 से divide हो रहे हैं पूरी तरह से, तो उस whole number को भी 4 से divide होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, example ले लेते हैं, example से समझेंगे, हम वैसे भी सारा कुछ एग्जांपल से ही समझ रहे हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल जैसे कि 4, 5, 9, 7, 3, 2, ओके, ये नंबर है हमारे पास। इसमें लास्ट 2 डिजिट्स, इसमें लास्ट वाले 2 डिजिट्स कौन से हैं, ये हैं 3 एंड 2, ओके। तो ये बन गए 32, 32 4 से डिवाइड होता है, 8 4 32, तो 32 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इसका मतलब ये होल नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये 4 से डिवाइड होगा। आप चाहे इसे डिवाइड करके देख लो, ठीक है, ये डिवाइड होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा 4 का रूल। तो आगे हम करेंगे 5 का रूल। तो 5 का रूल काफी सिंपल है, अगर किसी नंबर के पीछे 0 या फिर 5 लगा है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 0 या फिर 5 लगा है 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 9 7 2 0, ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि पीछे 0 लगा है। जैसे कि 2 3 7 5, पीछे 5 लगा है तो 5 से डिवाइड होगा। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, जिनमें 0 या फिर 5 लगा हुआ है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो आगे हम बात करेंगे 6 की, ठीक है, 6 की बात करेंगे। तो 6 क्या कहता है, 6 कहता है मैं बना हूं 2 बाय 3 से, मैं बना हूं 2 बाय 3 से, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6, ठीक है। तो हमने 2 वाला रूल किया था वहां पे, अगर पीछे इवन नंबर आ रहा है तो वो नंबर, तो वो होल नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 का रूल क्या किया था, अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है वो नंबर, अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है वो नंबर, तो वो 6 से भी होगा ही होगा, ठीक है। बट अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा, तो वो 6 से नहीं हो सकता। 6 से तभी होगा अगर 2 और 3 दोनों से होगा,
ठीक है। तो आगे हमारे पास सेवन का कोई ऐसा रूल नहीं है, तो आगे हम चलेंगे एट पे। एट जैसे कि फोर था वैसे ही एट है। फोर पे हम लास्ट टू डिजिट्स को देखते थे, एट में हम लास्ट थ्री डिजिट्स को देखेंगे। लास्ट थ्री डिजिट्स, लास्ट थ्री डिजिट्स को देखेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि हमारे पास यहां पे था 732, ठीक है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल यहां पे हम ले सकते हैं, एग्जांपल 59520, 59520। अब लास्ट वाले तीन डिजिट्स कौन से हैं, 52 एंड 0। ये देख लो 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये 8 पे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या आ गया, अटूचिक 48 48, और ये आ गया 4 40 8 5 40, तो 65 पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, ठीक है। तो लास्ट वाले थ्री डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये होल नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, इसे होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये भी आ गया हमारे पास, तो 8 भी कंप्लीट हो गया। आगे क्या है, 9। आगे क्या है, 9 नंबर। तो 9 नंबर की क्या ट्रिक है, 9 नंबर की ट्रिक है कि जैसे 3 की थी वैसे ही 9 की है। सम करो डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स, उसे डिवाइड करो 9 से। अगर 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, अगर 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो वो होल नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अगर उन डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो होल नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमने पिछले में एग्जांपल ली थी, एग्जांपल एग्जांपल क्या थी, 3 6 9, तो इसका सम क्या बना, 3 प्लस 6 प्लस 9, 18 18 डिवाइड बाय 9, 2। अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली, तो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो 369 भी 9 से डिवाइड होगा, इसे होना ही पड़ेगा, ओके। तो ये हमने किए डिवीजन के कुछ रूल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए ना डिवीजन के कुछ रूल्स, ये हमने किए। तो ये हमारी थी पहली क्लास यहाँ पे बैंकिंग, ठीक है ना। तो अगर आपने प्लस टू क्लियर कर ली है, ठीक है ना, आप ग्रेजुएशन में एंटर कर रहे हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन के एक दो साल कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप ये क्लासेस शुरू कर दीजिए। तो आप अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं कि ये क्लासेस वो जरूर देखें, अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बैंकिंग में जाना है, या फिर SSC CGL CHSL में जाना है, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए इस चैनल के लिए। मैं यहाँ पे बीकॉम रिलेटेड कंटेंट भी डालता हूँ, और GST के रिलेटेड भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ इस पे, ठीक है। तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं, जैसे कि न्यू कंसेप्ट है, सारे अपडेटेड रहेंगे आप अगर आप मेरी वीडियोज को देखते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।